शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने समझाया। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे तो हर कुछ बदल जाएगा। एक बार जोरदार ताली। बहुत बेहतरीन विचार रखती हैं वो। गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। आप देख रहे हैं उकल न्यूज शहडोल। मैं हूं दिनेश वर्मा। हम हैं इस वक्त SN शुक्ला विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ और बातचीत करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि यहां के जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, राजनीतिक क्या समझ है उनकी, फिल्में देखते हैं तो किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर के 27% जो आरक्षण दिया जाना चाहिए OBC को, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसमें आरक्षण को लेकर के छात्र जो हैं वो देश के भविष्य भी कहलाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं उन पे हम इनका व्यू जानेंगे। क्या नाम है आपका? शिवानी पटेल। शिवानी, तो कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? BSc फाइनल ईयर, प्लेन बायो। अच्छा, तो कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? पढ़ाई ठीक चल रही है मेरी। पढ़ाई ठीक चल पर इस टाइम पे ये लॉकडाउन लगने की वजह से, जो लगने वाला है लॉकडाउन, उसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ाई। तो क्या सोचती हैं आप अभी जो कि अभी करंट बेस पे ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि पंचायत चुनाव यहाँ मध्य प्रदेश में होने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि OBC का जो 27% आरक्षण है तो उसको लेकर के बैन किया गया है, तो क्या आपको क्या लगता है कि आरक्षण मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? आरक्षण मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए जी। तो आप बता सकते हैं कि आरक्षण क्यों मिलनी चाहिए? ये आपको कुछ लगता है कि हाँ आरक्षण इसलिए मिलनी चाहिए कि जो सोशल बैकवर्ड हैं उनको, उनकी भागीदारी मिल पाएगी अगर ऐसा करते हैं तो? क्या सोचते हैं आप? आरक्षण तो मिलनी चाहिए, सबको हक है तो उनको भी मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अंकिता सिंह। अच्छा, तो किस क्लास की स्टूडेंट है? मैं BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो क्या सोचती हैं आप कि हम यानी कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है तो उसमें उनकी भागीदारी बहुत कम देखने को मिलता है? कि अभी बच्चे पढ़ते तो हैं, 50% का रेशियो देखने को मिलता है कि क्लास में 50% का रेशियो है, लेकिन जब जॉब करने की बात आती है, नौकरी करने की बात आती है, तो बच्चे बहुत कम देखे जाते हैं। यानी कि जो महिलाएं हैं वो जॉब में कम हैं। इसका क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? इसका कारण तो ये है, कुछ लोग मतलब ये सोच के नहीं बढ़ पाते हैं कि मतलब हमको वहाँ जाके कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जॉब की बात करूँ तो जनरल वालों को तो बिल्कुल दिया ही नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है उनको ज़्यादा परसेंट में। ST SC वालों को ज़्यादा दिया जा रहा है, जनरल वालों को तो कुछ दिया नहीं जा रहा है। तो लड़कियों को करना चाहिए जब उनको मिल रहा है तो। क्या लगता है आपको कि क्यों लड़कियां जो हैं वो सेफ कम महसूस करते हैं, क्यों ऐसा है? लोगों की सोच की वजह से। अच्छा, क्या क्या बता रही थी सर? लोगों की सोच की वजह से कि अगर लड़कियां 6 बजे निकल रही हैं तो नहीं अंधेरा हो गया, और अगर लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाए तो लड़कियां सेफ हैं, और लोगों की जो लड़कियों के प्रति दुर्भावना है वो चेंज हो जाए तो लड़कियां बिल्कुल सेफ हैं। क्या लड़कियां काम नहीं करती, ऑफिस में नहीं जाती, लेकिन क्यों इनको अलग व्यवहार दिया जाता है? सबसे बड़ी है मेंटालिटी, सोच। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे तो हर कुछ बदल जाएगा। क्या नाम है आपका? मलिहा फारूकी। मलिहा फारूकी लेके एक बार जोरदार ताली। बहुत बेहतरीन विचार रखती हैं वो। और क्या लगता है आपको कि वो जो कह रही हैं कि सेफ्टी को लेकर के जो हमेशा सवाल खड़ा होता है, तो क्या लगता है आपको कि लड़के के मन में ऐसी भावना होती है या कुछ सामाजिक जो संरचना है वो ऐसी है, क्या है इसमें कमी? इसमें सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जैसे लड़कियों का पहनावा है थोड़ा सही ढंग से होना चाहिए मेरे हिसाब से, और लड़के भी बदमाश हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो क्या लगता है, मेरा जो विचार है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, क्योंकि लड़कियां जो हैं ये बिल्कुल गलत बोले आप। पहनावे की वजह से जज करोगे तो ये तो बिल्कुल गलत। मैं अंजलि त्रिपाठी हूँ सेकेंड ईयर से। मेरा कहना अच्छा लगा, इनका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद आया कि वो वहाँ थी लेकिन अपनी बात रखने के लिए यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा। मेरा कहना है कि लड़कियाँ अपने कपड़े पहनने का तरीका क्यों बदले, लड़के अपना सोच बदले, अपनी नजर बदले। लड़कियाँ क्यों, लड़कियों के लिए जैसा फैशन आएगा अपने उसके हिसाब से अपना वो करेंगे, लड़कियाँ जमाने के हिसाब से चलेंगे। लड़के अपना सोच बदले, अपनी नजर बदले। लड़के अपनी सोच बदले, लड़के अपनी नजर बदले। क्या लगता है आपको कि लड़के जो सोच रहे हैं इस तरह से कि कपड़ों को लेकर के, यानी कि हम अपने देखते हैं कि हम घर में भी माँ हैं, बहन हैं, वो कपड़े अगर छोटे ड्रेस पे को लेकर के वो शायद कर रहे हैं तो पहनते हैं तो हम गंदी दृष्टिकोण से नहीं देखते, लेकिन अगर कोई बाहर से हो तो ऐसा हम सोचते हैं, क्यों सोचते हैं ऐसा?
सर सभी की मानसिकता मेरे अकॉर्डिंग सब लोग वैसी नहीं होते हैं, कुछ लोगों की सोच वैसी होती है, लेकिन सर हमारी पुरानी सभ्यता को, पुरानी संस्कृति को देखा जाए, पहले के दिनों में सर सभी लोगों को देखा जाता था कपड़े जो होते थे संस्कृति के हिसाब से पूरा पहनावा होता था। आज मॉडर्न युग को लोग देख रहे हैं, मॉडर्न युग को फॉलो कर रहे हैं, कपड़े जो हो गए छोटे। हम नहीं बोलते कि छोटे कपड़े, लोगों की मेंटलिटी होती है मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ पे कपड़े छोटे थे वहाँ पे मेंटलिटी भी छोटी हो जाती है। लेकिन पुरानी संस्कृति को लोग फॉलो करेंगे, अगर उस फॉलो करते हैं और उस संस्कृति को फॉलो करते हैं तो लोगों की मेंटलिटी ऑटोमेटिक सही रहेगी मेरा मानना है। लेकिन लोग पुरानी दूसरे विदेशों की जो संस्कृति उसको फॉलो करते हैं, वहाँ के लोगों को देखकर उस मॉडर्न युग को फॉलो कर रहे हैं, अपनी पुरानी सभ्यता को भूल रहे हैं लोग। हम ये नहीं कहते कि पुरानी मॉडर्न युग को फॉलो ना करें, हम ये कहते हैं अपनी पुरानी सभ्यता को फॉलो भूल रहे हैं, यूरोप से जो चीज़ें आ रही हैं हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, वो कह रहे हैं कि यूरोप से जो चीज़ें आ रही हैं उसको हम गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो छोटे ड्रेस को लेकर के बातचीत होती है वो सही है, क्या मानते हैं आप? आई थिंक सो, वो भी उनका कहना जरिया एक तरीके से सही है, बट हम लोगों का कहना भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि पहले जो चलता था वो आदिमानव के जमाने का, तो वही हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। वो आदिमानव के जमाने में जाना चाहते हैं वो, तो हम लोग को भाई सबके साथ कदम मिला के चलना है। क्या ट्रैंग आपको लाता तो आप लोग शॉर्ट जींस पहनते हो, ट्रैंग आता तो आप लोग बिल्कुल कट वाला पहनते हो, तो वो आपके लिए सही है, आप लोग यूरोप नहीं जा रहे हो। बट हम लोग अगर ट्रैंगिंग में जा रहे हैं, पिछला कुछ हटा के कुछ यूनिक कह रहे हैं, कुछ नया तरीके से कर रहे हैं, तो वो हम लोग गलत कर रहे हैं। तो नथिंग, ये तो सीधी सीधी बात है, आप दूसरों को खींचो, खुद चढ़ना वाला हाल ये नहीं चल सकता। भारत है, बहुत सारे अंधविश्वास चीजों में अभी भी वो रखता है, इसीलिए शायद आज के डेट में भारत बहुत पीछे है और देशों के मुकाबले। भारत इसलिए पीछे पड़ता जा रहा है क्योंकि हम इस तरीके के सोच रखते हैं। अच्छा, हमारी जो सिनेमा है, अब थोड़ा सा हमें लगता है कि मुद्दे चेंज होने चाहिए, सिनेमा है, सिनेमा में भी वल्गरिटी को लेकर के आए दिन बात आती है, तो सिनेमा देखते तो हम ही सब हैं, जो भी चीज़ें बनाई जा रही है वो हम ही सब देखते हैं, तो क्यों वल्गरिटी हम क्यों देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, या क्या लगता है आपको क्यों ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसी जो मूवी बन रही है क्यों बन रही है ऐसी? मेरा मानना है सर कि जो अट्रैक्शन है, लोगों को जो चीज़ अट्रैक्ट करती है लोग उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं। आज के समय में जिस तरीके से वल्गरिटी के लिए बात कर रहे हैं, वही चीज़ें लोगों को अट्रैक्टिव कर रही है, लोग उसी को देखना पसंद करते हैं। आजकल अगर सभ्यता को लेकर या किसी भी चीज़, अच्छी चीज़ को लेकर अगर कोई मूवी बनाता है, लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पे आपने बात किया कि वल्गरिटी जो भी है, थ्री इडियट मूवी किसने देखा है सब? थ्री इडियट हाँ सबने देखा, ये बहुत अच्छी मूवी है, लोग देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो मेरे को अच्छी है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें। लगान मूवी का नाम सुने आप? लगान भी मैंने देखा है। देखा है जी। तो आप अच्छी मूवी तो देख रहे हैं, फिर क्यों कह रहे हैं कि नहीं अच्छी मूवी नहीं देखते? सभी नहीं देखते हैं। अच्छा, वो जिस मूवी की बात कर रहे हैं उस पर ऐसा कुछ नहीं है, वेगुलेटरी जो भी है वो नहीं है, है कि नहीं? लेकिन हाँ, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उस पर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को देखने के लिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है, वल्गरिटी जो है उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं देखना, क्यों, क्या लगता है इसमें कि क्या हम क्या कर सकते हैं उसमें, क्या किस तरह के सुधार ला सकते हैं, या सरकारी जो योजनाएँ होती हैं, या सरकारी जो कहेंगे क्राइम में एक सिस्टम होता है उसमें बैन कर दिया जाता है, गूगल पे आजकल हर चीज़ों को बैन किया जा रहा है, तो उस पर आपको लगता है कि उस तरीके से बैन करने से समाधान मिल सकता है? जी सर, मिल सकता है ना, समाधान मिल सकता है जी। किस तरीके से? और जो फिल्म होते हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देना चाहिए, और फिर उनमें मतलब कुछ क्वेश्चंस रखने चाहिए, है ना, कि इन फिल्मों को देखने के लिए मतलब ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो पहले उसको उसके लिए अलाउ का ऑप्शन देना चाहिए, उसके बाद फिर उन फिल्मों को देखने के लिए चालू करना चाहिए। अच्छा, अलाव का ऑप्शन देना चाहिए कि हमें इस तरह की फिल्में देखी जानी चाहिए, तो क्या सोचते हैं आप, जो लड़कियां हैं वो किस तरह की फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करती हैं? हर तरीके की फिल्में देखना पसंद करती हैं। हर तरीके की फिल्में, तो किस तरीके की फिल्में देखना पसंद करते हैं? सभी तरीके के जमाने के हिसाब से हर तरीके का फिल्म देखना चाहिए। अच्छा, इस तरफ हम बात करते हैं छात्र से, ये क्या सोचते हैं कि हमारी जो राजनीति है वो कैसी होनी चाहिए? क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव शुक्ला। गौरव शुक्ला, तो आप 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र होगा आपका? बिल्कुल। तो आपने वोट दिया है कभी? नहीं, अभी तो नहीं दिया। अभी नहीं दिया वो, तो आप नए वोटर हैं, तो क्या लगता है आपको कि पंचायत चुनाव अभी होने को है, तो किस तरह के राजनेता होने चाहिए? आपके मन में एक होगा कि हमारा जो उम्मीदवार है वो इस तरीके का होना चाहिए, क्या क्या उसमें लिस्ट है? राजनेता ऐसा होना चाहिए सर कि वो अपनी जेब ना भरे, वो लोग जिस लिए जिस काम के लिए बना है उस काम को करे। ठीक, क्या है कि आजकल हम देखते हैं कोई भी राजनेता हो, जब आप वोट मांगने आते हैं तब तो आप अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब आप उस पद में आ जाते हैं तो वो आप काम नहीं करते हैं, चाहे हम किसी को ले लें, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। तो राजनेता ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र का हित करे,
वो होना चाहिए राजनेता। अच्छा, जो राष्ट्र का हित करे वैसा राजनेता होना चाहिए। तो महिलाएं राजनीति में, चूंकि महिलाएं कम हैं, क्या लगता है आपको कि जो महिलाएं हैं उनकी राजनीति में भागीदारी कम है, इसका क्या कारण हो सकता है? आई थिंक वो इंटरेस्ट नहीं रखती हैं अभी। इंटरेस्ट नहीं? हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट से सब होता है, बिना इंटरेस्ट से कुछ होता नहीं है। और कुछ फैमिली सपोर्ट भी नहीं होते, क्योंकि आजकल आई थिंक ज़्यादा तो फ्रीडम नहीं मिलता है। आपने कहा कि राजनीति में हमारे जो उम्मीदवार हैं वो तरीके उसमें बताया कि पेट भरने वाला नहीं होना चाहिए, पॉकेट भरने वाला नहीं होना चाहिए, तो जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पहला ये है। और दूसरा ये है कि उसमें आप चुनते हम लोग हैं, तो ऐसा ऐसे उम्मीदवार को हम ऐसा क्यों चुन लेते हैं जो हमेशा अपनी जेब भरता है? क्या है कि हमारे जो भारत है, ठीक, तो वो कहने के लिए 70% साक्षरता है। साक्षरता मीन्स यहाँ ये मान जाता है जिनसे अपना नाम लिखना जानते हो, बस वो साक्षर हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है कि अधिकतर हमारे भारत में जो है गांव के वोटर होते हैं। गांव के वोटर ये होते हैं कि आपने भाषण दिया, आपके लालच में आके आपको वोट दे रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम होता ना कि आगे चल के वही हमारी जेब काट के अपनी जेब भरेगा, यही होता है। नेता वैसा होना चाहिए कि आप गरीब हैं तो गरीब के साथ अच्छा बर्ताव करें। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो सरकार है जो अमीरों को और बढ़ा रही, गरीबों को और दबा रही है। मैं खुद मिडिल क्लास से आता हूँ, तो हमारी सरकार किस तरीके से गरीबों को दबा रही है और अमीरों को और बढ़ावा दे रही है? कई भी एग्जांपल थोड़ा उदाहरण दे के समझाएंगे ताकि मैं भी समझ पाऊँ और जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, सुन रहे हैं, वो भी समझ पाएं। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी शासकीय पॉलिसी को आप प्राइवेट कर रहे हैं और सरकार देख रहे हैं हमारे जो युवा हैं बेरोजगार हुए जा रहे हैं, आप नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, और नौकरी निकाल भी रहे हैं तो कहीं कहीं पे सुनने में आता है कि वहाँ पे पैसे दे के भर्ती हो जाते हैं, जो क्वालिफाई होता है उसको वो पीछे ही रह जाता है। तो भ्रष्टाचारी तो ऊपर से लेके नीचे तक है, सिस्टम तो पूरा ख़राब है ना। अच्छा, सिस्टम पे हमेशा सवाल किया जाता है, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्टाचार नेता ज़्यादा हैं। नेता वो तो है ना, और उनको करने वाले, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि हम ही शुरू करते हैं, क्योंकि हम देखा जाए तो हमारे घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है टॉफ़ी लेने जाता है अगर 1 रुपए की, तो 1 रुपए की अगर वो 2 टॉफ़ी लेके आता है तो घर वाले उसको शाबाशी देते हैं कि भाई तुम चालाक हो गए हो, बुद्धिमान हो कि 1 की 2 टॉफ़ी लेके आते हैं। शुरुआत तो यहीं से हो जाती है ना कि हम भ्रष्टाचारी को कर रहे हैं, अपने काम को करने के लिए हम सामने वाले को बोलते हैं भाई 100 रुपए अधिक ले लेना, इस काम को कर देना, तो भ्रष्टाचारी की नींव हमसे ही है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। पर भ्रष्टाचारी एक हर लेवल पर हो रही है, कहा जाए तो अगर 100 रुपए सरकार अगर देना चाहती है यहाँ गरीबों को, तो वो कटते 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 8 रुपए यहाँ पहुँचता है। शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देते उन्होंने समझाया। क्या कहेंगे आप, हमारे जो राजनेता हैं वो कैसे होने चाहिए और आपका उसमें क्या योगदान हो, क्योंकि हम केवल राजनेता पे या जो सरकारी सिस्टम है उस पे हम सवाल खड़ा करते हैं, खुद पे नहीं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे से कोई चीज़ शुरू हो रहा है और हमारे पे अंत हो रहा है, तो इसको उदाहरण देके आप कैसे समझाएंगे, क्या कहेंगे, आपका क्या योगदान? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ, मेरा अमर कीर्ति समाचार पत्र है और मैं साथ ही साथ पढ़ाई भी करता हूँ। और जो सिस्टम के ऊपर बात आपने की कि हमारा क्या योगदान होना चाहिए, सबसे पहला तो हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हम किस तरीके से हमको अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा कि हम कहाँ पे जाएं, किस पथ पे जाएं जहाँ पे हमको बढ़ावा मिले और हम आगे आए। तो हमको अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा और अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा। तो और रही बात सिस्टम की और नेताओं की, तो आज की डेट में मैं जितना 3 साल हो गया पत्रकारिता में मेरे को, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि पूर्णतः नेतृत्वविहीन यहाँ पर राज चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और अगर अपने जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन में केवल मैंने जिन अधिकारियों से मिला हूँ, जहाँ जहाँ बैठा हूँ, तो केवल अवधेश गोस्वामी जी, हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक जी, केवल वही एक मुझे ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी लगे जिन्होंने वाकई में प्रशासन को और शहडोल को आगे लाया है और क्राइम दर उनके आने से कम हुआ है। क्राइम दर उनके अवधेश गोस्वामी बताए, उनके आने से क्राइम दर कम हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि क्राइम दर जो बढ़ता जा रहा है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, और हम जानते हुए भी हम उसके प्रति कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है? मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं मनमोहन यादव, मैं यहीं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर ABSC प्लेन से करता हूँ। और आप कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा से कम करने के लिए, तो भ्रष्टाचार
इसमें नहीं, हमारी सोच के ऊपर निर्भर करती है कि हम किस तरह से अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, ना कि ये कि कोई व्यक्ति हमें चाहता है कि कितना दबाने की कोशिश। अब भैया लोग जैसे बताएं कि 100 रुपये दे के हम अपना काम करवाना चाहते हैं, तो ये सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इसके ऊपर अगर सरकारी दौर पे सोचे कि काम हो जाएगा हमारा, तो काम अगर एक दिन का हमारा आज ज़रूरी काम है तो वो ज़रूरी काम हमें आज नहीं हो पाएगा। अगर जब तक हम उन्हें एक्स्ट्रा पैसे ना दें, जिसे हम रिश्वत कहते हैं, तो रिश्वत जब तक नहीं देंगे तो हमारा जल्दी काम नहीं होगा, जिससे कि हमारा काम आगे का काम रुक जाएगा। हम अपना आगे का काम करवाने के लिए रिश्वत दे देते हैं और हमें ये उसको कहेंगे कि शॉर्ट में हम अपना काम करवाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। नहीं, हम ये सोचते हैं कि बहुत समझदार है तो जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल जो रिश्वत है बहुत ज़्यादा ही हो गई इस समय। कि अभी कुछ लोग जैसे जाते हैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो वहाँ जाते पहले लोगों को रिश्वत ही लगती है, क्योंकि ये जो रिश्वत है आजकल हर जगह ली जा रही है। और जैसे रिश्वत लेते हैं लोग, ये लोग समझते हैं लोग खुद ही कर रहे हैं सब काम, लेकिन ये लोग जो रिश्वत लेते हैं उनको ऊपर जाते जैसे उनके लोग सस्पेंड भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा उदाहरण शेड्यूल में भी कह जाए देखने मिला है नगर पालिका में। अभी कुछ ही दिन पहले की बात, हमारे दोस्त गए एकठो किसमें जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, उसने रिश्वत ली, रिश्वत दी रही तो पकड़ गया, तो उस पर कार्रवाई चली रही शेड्यूल जिले में। रिश्वत अगर दिया जाए या लिया जाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कोई लास्ट में कोई ऐसी संगीत आप सुनाना चाहें जिससे कि जो व्यूअर हैं वो मोटिवेट हो और उनके लिए, ये चूंकि कोरोना का दौर है तो वो मोटिवेट हो और उनके लिए भी बहुत सुनने में थोड़ा अच्छा लगे, कुछ ऐसा सॉन्ग आप सुनाना चाहें। देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हम हिंद देश के निवासी सभी लोग एक हैं, चाहे रूप रंग हो विभिन्न वर्ण, सब लोग एक हैं, यानी कि अनेकता में एकता है। इसी के साथ आप देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल, कैमरा साथी लालचंद के साथ दिनेश वर्मा।